नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हो आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखता है, हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, दोस्तों AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के द्वारा एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखिए टर्म बोला गया है जो सिलेक्शन किया जाएगा वो फिक्स टर्म बेसिस आगे आ रहा हो। दोस्तों और भी डिटेल्स बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 पोस्ट के लिए 25 पोस्ट, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 पोस्ट के लिए 15 पोस्ट, वर्किंग इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। दोस्तों ठीक है, इंटरव्यू देखिए कब कब होगा। चेन्नई का इंटरव्यू का डेट 25 अप्रैल 2024, बेंगलुरु में इंटरव्यू लिया जाएगा 29 अप्रैल 2024, हैदराबाद में लिया जाएगा 2 मई 2024। आपको जहाँ पे भी इंटरव्यू देना है आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, किस एड्रेस पे आप देना चाहते हो। दोस्तों ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों रिजर्वेशन SC ST EWS विल बी एप्लीकेबल पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट रूल्स यहाँ पर जो वैकेंसी दिया गया है इसमें SC ST OBC के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है इसमें रिजर्वेशन का परसेंटेज होता है, जैसे कि SC के लिए 16%, OBC के लिए इस प्रकार से कितना परसेंट होना चाहिए, तो आपको अपने अपने हिसाब से 25 का 15 का परसेंटेज निकाल के अपना पोस्ट हिसाब कर लेना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल पोस्ट ऑफ अबव, मिनिमम एज आपका आयु होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 के अनुसार। जनरल EWS कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 35 ईयर, OBC कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 38 ईयर, SC ST कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर, और एज रिलेक्शन मिलेगा एक्स सर्विस वाले को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एक्स सर्विस वालों को 3 साल का एज रिलेक्शन मिलता है, मुझे लगता है एक्स सर्विस मैन 38 ईयर तक ही अप्लाई कर सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फिक्स टर्म बेसिस कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पहले 5 साल के लिए इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, पहले 5 साल के लिए लिया जाएगा, बाद में इसको एक्सटेंड करके और भी 5 साल बढ़ाया जा सकता है, यानी आपका आयु 58 ईयर तक ये किया जा सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, अगर कंपनी का डिमांड होता है और जो कैंडिडेट है उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो भी ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। एमोलूमेंट, आपको जो तनख्वाह मिलेगा मंथली वो 27,940 रुपया, यानी 60 रुपया कम 28,000 रुपया आप लोगों को पर मंथ मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, दोस्तों सिलेक्शन विल बी थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, टेक्निकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू इन द 2 स्टेज। दोस्तों दोस्त क्वालिफाई इन फर्स्ट स्टेज एट बेंगलुरु चेन्नई हैदराबाद फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 B2, वैकेंसीज विल अगेन बी रिक्वायर्ड टू अटेंड सेकेंड स्टेज ऑफ एट हैदराबाद। दोस्तों यहाँ पे बोला गया है पहले जो सिलेक्शन का पहले आपका एप्लीकेशन जाएगा, आप एप्लीकेशन देखेगा, आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका असेसमेंट देखेगा, उसको असेसमेंट करके तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। यह है आपका स्टेज ये 2 स्टेज में होगा। इंटरव्यू के बाद अगर पहला स्टेज आप क्वालिफाई हो जाते हो तो दोस्तों आपके लिए सेकेंड स्टेज जो है वो शायद अपने जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस लिया जाएगा, क्योंकि आपको तो टेक्नीशियन के रूप में अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, शायद उसका कहाँ पर होगा अटेंडेड सेकेंड स्टेज एट हैदराबाद में ये सेकेंड स्टेज लिया जाएगा। अगर कोई इंटरव्यू में सिलेक्ट होता है तो शायद प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, डायरेक्ट नहीं बताया लेकिन इनडायरेक्टली ऐसा ही समझना पड़ेगा दोस्तों। और ये तो साउदर्न रीजन हैदराबाद के लिए है, ठीक है, पोस्टिंग साउदर्न रीजन हैदराबाद में होगा, ठीक है, उस साउदर्न रीजन में इसका पोस्टिंग होगा। देखिए दिया हुआ है नोटिफिकेशन में साउदर्न रीजन हैदराबाद। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए AME डिप्लोमा अथवा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 2 से 3 साल का, 2 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में या फिर 3 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो इन। लेकिन ये जो
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का इंजीनियरिंग स्ट्रीम होना चाहिए, ये मैकेनिकल स्ट्रीम में होना चाहिए फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अबव बाय जो इंस्टीट्यूशन से आप ये डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट लेंगे वो DGCA के द्वारा सर्टिफिकेट किया होना चाहिए। और आपका मार्क्स होना चाहिए 60% अथवा इक्वल ग्रेड, और 55% चाहिए SC ST OBC को। अथवा अगर आपके पास डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग 3 साल का स्ट्रीम है मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री सेंट्रल स्टेट रिकॉग्नाइज्ड, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो 60% मार्क के साथ, और SC ST हो तो 55% मार्क। ठीक है, फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ ग्रुप 1, आपका सक्सेसफुल ग्रुप 1 अथवा ग्रुप 1 एंड अथवा ग्रुप 2 की कंप्लीट होने के बाद अथवा 4 साल का कोर्स डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अथवा इक्विवेलेंट किसी भी क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बराबर कोई भी क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एयरफ्रेम इंजन ट्रेड्स जो कि इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्टेड किया गया हो परिचालित किया गया हो, ठीक है, लिया गया हो एग्ज़ाम ऐसा, मतलब इंडियन नेवी इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्टेड किया गया किसी भी एग्ज़ाम से डिप्लोमा से आपको ये स्ट्रीम पे डिप्लोमा लेना पड़ेगा एयरफ्रेम या फिर इंजन ट्रेड पे। ठीक है, और इसके लिए देखिए बगल में दोस्तों पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 अप्रैल 2024 के अनुसार होना चाहिए। देखिए ऊपर में एडिंग में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 के अनुसार आपके पास ये योग्यता होने से होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 1 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस, 1 साल का एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए यानी उड़ान पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा नहीं है, अगर आपने सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्रेंटिसशिप 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया और साथ में विद हैंड ऑन वर्किंग अपने हाथों से 1 साल एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। खास करके एविएशन एक्सपीरियंस इन द जिस विषय पे आपका नहीं एडवांटेज मिलेगा इसमें देखिए प्री फ्लाइट चेक्स स्नैक रिफ्लेक्शन कंपोनेंट रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर, मतलब चीज़ें रिपेयर करना और रिप्लेस करने का अगर एक्सपीरियंस आपका है, रिपेयर इन इंजन एंड एयरफ्रेम सिस्टम, इंजन एयरफ्रेम सिस्टम में आपको रिपेयर और मेंटेनेंस का या फिर रिप्लेसमेंट का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, टेक्नीशियन बी दोनों के लिए जो एक्सपीरियंस है बराबर है सेम, और क्वालिफिकेशन भी दोस्तों टेक्नीशियन के लिए भी सेम है। दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफिकेशन आपने देखा है, एक्स सर्विसमैन को छोड़ के उधर टेक्नीशियन 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है टेक्नीशियन 2 के लिए भी सेम, लेकिन अगर टेक्नीशियन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो डिप्लोमा में थोड़ा स्ट्रीम अलग है, डिप्लोमा इन एविएशन स्ट्रीम। दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी, ये जो टेक्नीशियन बी है यहाँ पे जो डिप्लोमा पहले देखिए AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इसमें स्ट्रीम होगा एबियोटिक्स। ठीक है दोस्तों, एबियोटिक्स माफ़ कीजिएगा पहले मैं इसे बराबर बोल दिया था, बराबर नहीं है थोड़ा अलग है, एबियोटिक्स स्ट्रीम में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए 60% मार्क के साथ, और SC ST हो OBC हो तो 55% मार्क। और ये भी नहीं है अगर आप डिप्लोमा किए हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का डिप्लोमा का जो स्ट्रीम होगा टेक्नीशियन B2 के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री सेंट्रल स्टेट साथ परसेंटेज सेम 60% विथ 50% मार्क के साथ 55% मार्क SC ST OBC के लिए। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों सेम ही है, उसमें जो बताया गया था इसमें भी सेम है, 4 साल का डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एयरफ्रेम और इंजीनियर जो कि इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के द्वारा कंडक्टेड किया गया हो ऐसा डिप्लोमा से। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझ में आया होगा अलग अलग दोनों पोस्ट का। दोस्तों आप लोगों को जो
इंटरव्यू के दौरान इंटरेस्टेड कैंडिडेट मीटिंग द अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 1 अप्रैल 2024 को अटेंड द वर्किंग इंटरव्यू एट एनी लोकेशन हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई, कहीं भी आप जा सकते हो, विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस, यानी आपको एप्लीकेशन फी भी जमा करना पड़ेगा, वो भी नॉन रिफंडेबल, बाद में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा एप्लीकेशन फी, और नेसेसरी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, दोस एलिजिबल एंड अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट हैव टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन अलोंग विद सेपरेट DD। दोस्तों आप चाहे तो दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर दोनों ही पोस्ट के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अलग अलग से सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको सेपरेट एप्लीकेशन फ़ी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों जो जो सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ वॉकिंग अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ये सब कॉपीज आपको लाना होगा, ठीक है। द ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब ओरिजिनल के साथ साथ आप एक्सेप्ट जेरोक्स कॉपी लेके जाना है, और जेरोक्स कॉपी में आपका सेल्फ अटेस्टेड कर लेना चाहिए। ऑल ओरिजिनल क्वालिफिकेशन, जितना भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकल और एजुकेशन, सब आपको ले जाना है। ऑल ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जितना भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, या फिर माध्यमिक एडमिट कार्ड। प्रूफ ऑफ परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान का जो आपका एड्रेस है उसका देना है, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंटली अगर आपकी फ़ोटो, दो पासपोर्ट साइज, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एट्सेट्रा होना चाहिए। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको जमा करना होगा, 1000 रुपया जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए, 500 रुपया SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और ये जो फीस आपको जमा करना पड़ेगा वो इन फेवर ऑफ, जो डिमांड ड्राफ्ट आप काटेंगे बैंक में जाके, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डबल कोटेशन में AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, और पेएबल एट की जगह में आपको हैदराबाद लिखना है, ठीक है। और साथ में आपको चाहिए सर्विस डिस्चार्ज बुक, अगर आपने एक्स सर्विसमैन हो तो, ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन, बाकी फ्रेशर्स के लिए नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, SC ST OBC नॉन क्रिमिनली जो भी हो, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद EW सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इफ एप्लीकेबल, अगर चाहिए तो। दोस्तों ये सर्टिफिकेट का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। वर्किंग इंटरव्यू का जो लोकेशन होगा आप लोगों ने देख लिया, 25 तारीख को चेन्नई, 29 अप्रैल को बेंगलुरु, 2 मई को हैदराबाद में। और अप्लाई का एड्रेस, वॉकिंग एड्रेस आप लोग वीडियो को पोस्ट करके भी आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। चेन्नई के लिए DGC इंजीनियरिंग ऑफिस, AISL न्यू इंटीग्रेटेड सर्विस कॉम्प्लेक्स, मीनामा बक्कम चेन्नई, ठीक है। बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया कॉन्फ्रेंस रूम, 2nd फ्लोर Alpha 3 कंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। और हैदराबाद के लिए AISL MRO नियर गेट नंबर 3 शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, ये आपका लोकेशन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया गया है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो शायद इंटरव्यू प्रोसेस 1 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को अपनी खर्चा से रहने का इंतज़ाम करने के लिए बोला गया है, इसके लिए ऑथोरिटी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा ये सब इंस्ट्रक्शन। वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट का हो चुका है, और भी आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा वो भी आपको बताना होगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है अलग अलग, आपका जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जाना है, आपका जो फ़ोटो देंगे वो फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जितना भी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट इंटरव्यू वक्त लेके जाना है, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है, वो आपको वापस दे देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सिर्फ जेरोक्स कॉपी ही सबमिट करना है, साथ में
ओरिजिनल कॉपी आपको नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो आपको ओरिजिनल कॉपी वापस पाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बोला गया, अगर आपने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में नौकरी कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है, यही आपको बताया गया है जनरल इंडस्ट्री में। और बाकी का थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ के समझ लो, इतना पढ़े लिखे आजकल सभी है कि इतना पढ़ के समझ सकते, ठीक है। आइए दोस्तों, एप्लीकेशन को जो फॉर्म है वो कैसे आपको फिलअप करना होगा, ये है दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपको इंटरव्यू में पहुंचना होगा, ठीक है। देखिए पहला पहला ऑप्शन में है फॉर द पोस्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 या फिर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2, आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको दो एप्लीकेशन फिलअप करना होगा और बैंक में दो डिमांड ड्राफ्ट आपको काटना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी कॉलम दाई तरफ फोटो आपको चिपकाना है पासपोर्ट साइज़ का रिसेंट, ठीक है। इस पहला ऑप्शन में दोस्तों क्या है, फुल नेम इन द ब्लॉक लेटर, आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम राम, मिडिल नेम मनोहर, सर नेम लोहिया, राम मनोहर लोहिया, इस प्रकार से, ठीक है। आपका जैसे कि किसी के नाम के बीच में चंद्र होते, उसके बाद टाइटल होते, किसी के बीच में कुमार होते, ये ठीक है। फादर नेम, आपका पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, ठीक है। और आपका आयु वर्तमान में 1 अप्रैल 2024 के अनुसार कितना है, ठीक है, ईयर मंथ एंड डेट, ठीक है। जैसे कि 1 अप्रैल 2024 के अनुसार कितना ईयर है, ईयर की जगह 2024 मत लिख दीजिएगा, ठीक है। ईयर पे आपका आयु कितना हुआ है, 35, 27, 36, 23, ठीक है, 23 ईयर 3 मंथ 45 डेज, इस तरह से, ठीक है। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ और किस स्टेट पे हुआ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रिलीजियन, आपका धर्म क्या है, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो भी है वो आपको लिखना है। जेंडर, मेल या फीमेल, आप पुरुष हो कि महिला, ठीक है। यहाँ पर आप मेल हो तो मेल के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी लिख भी सकते हो, ठीक है, फीमेल हो तो फीमेल। दोस्तों नेशनलिटी, आपको इंडियन लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो वर्तमान आप जहाँ पर रहते हो प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस, अब जहाँ पर जैसे किसी का परमानेंट एड्रेस होता है कि जैसे कि गांव का जो मेरा घर है, मेरा प्रेजेंट एड्रेस वहाँ पर है, कोई काम से दूर रहता है, जैसे कि सोचो कि आपका परमानेंट रेसिडेंस दिल्ली में है, वहाँ पर आपका घर है, लेकिन आप अभी काम की पर्पज़ कहाँ पर हो, मध्य प्रदेश में हो, वैसे ही, या फिर आपकी स्टेट पर ही आपका, आप दूसरी जगह में रहते हो, आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, इसलिए वो आप के दो एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस लिख दीजिएगा। ईमेल आईडी, दोस्तों ईमेल आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल जॉब एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड के लिए, क्योंकि ईमेल में ही सारे मैसेज मिल जाता है, इसलिए एक्टिव ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि आप जीमेल चेक कर सको, मैसेज आता रहे। मोबाइल नंबर भी एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिएगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मांगा है यहाँ पे, एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, लैंड नंबर हो तो लैंड नंबर भी आप दे सकते हो। यहाँ पर वेदर SC ST OBC EWS जनरल आपको सिलेक्ट करना है, अगर SC हो तो SC में क्लिक करना है, ST हो तो SC के नीचे क्लिक करना है, OBC हो तो OBC, EWS हो तो EWS, जनरल हो तो जनरल, ठीक है। देखिए दोस्तों नीचे ब्रैकेट देके कॉलम में देख, इंडिकेट कैटेगरी टू व्हिच यू बिलोंग टू बाय मार्किंग X, डबल कोटेशन में X देके मार्क करना है, ठीक है, राइट नहीं देना है, X मार्क देके आपको मार्क करना है। देखिए दिया हुआ है कैसे X मार्क देना है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है X मार्क, ये देखिए दोस्तों, ये X मार्क देके आपको क्लिक करना है आप किस कास्ट से हो, ठीक है, कास्ट के नीचे ये लिखना होगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ दिया गया है, अगर अभी SC ST हो तो आपका SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, OBC हो तो OBC, EWC तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। लास्ट 12 नंबर की B कॉलम में वेदर एक्स सर्विसमैन, आप एक्स सर्विसमैन हो कि नहीं, अगर एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। और अगर एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एक्स सर्विसमैन का डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करके देना होगा। वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक अंडरसेटिंग, ऑटोनोमस बॉडी,
अगर आपने किसी भी पब्लिक सेक्टर बॉडी सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर हो तो पहले यस क्लिक करना है, अगर आप ऐसे कोई नौकरी नहीं कर रहे हो तो आपको नो क्लिक करना है, अगर कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए हो। नेक्स्ट पार्ट आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जगह आपको अच्छे से भरना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। टेंथ जो SSC लेवल का है, टेंथ आपने कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नेम यानी टेंथ किया आपने कौन सी स्कूल से किया है ये लिखना है, कौन सी स्कूल से आपने टेंथ पास किया है। उसके बाद डेट ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस डेट में टेंथ पास किया है वो आपकी पास सर्टिफिकेट में मिलेगा, माध्यमिक पास जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है बोर्ड की तरफ से, उसमें लिखा हुआ है डेट किस डेट में आपने पास किया और कौन से साल में पास किया है ईयर, ठीक है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना था, ठीक है, ड्यूरेशन लिखना है माध्यमिक का ड्यूरेशन। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको मार्क्स कितना मिला था, जो मार्क्स मिला था उसका परसेंटेज कितना था, ऐसे करके 12 पास ITI डिप्लोमा में कितना कहाँ से किया, कब किया और ITI का ड्यूरेशन कितना था वो लिखना है। टेंथ पास के लिए तो ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, SSC के लिए, 12 के लिए भी तो ड्यूरेशन, खास करके ITI के लिए तो ड्यूरेशन आपको लिखना होगा, 3 साल का ड्यूरेशन कहाँ कब से कब तक किया, ठीक है। आप ईयर भी लिख सकते हो, डिग्री लेवल पे आपने कब किया और ड्यूरेशन कब से कब आपने डिग्री कंप्लीट किया, डिप्लोमा कब से कब तक आपने डिप्लोमा किया, ठीक है ना, 3 साल का डिप्लोमा कब से कब तक किया, यही लिखने के लिए बोला है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी किस किस कंपनी से वर्क किया है, नेम ऑफ द कंपनी, उसके बाद पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट में हो, अगर पोस्ट नहीं लिख पाते हो आपको हर सालाना कितना रुपए मिलता है ये लिखना है सेकंड कॉलम में। उसके बाद पीरियड, आपने जो एक्सपीरियंस लिया है वो कब से कब तक, फ्रॉम, सोचिए कि फ्रॉम 2021 से लेके फ्रॉम 2024, इस प्रकार से आप कब तक लिया वो लिखना है। ऑफिस यूज ओनली, ये देखिए दाएं तरफ जो कॉलम दिया गया है ऑफिस यूज ओनली, वो सिर्फ अथॉरिटी जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है वो कॉलम फिलअप करेगा, इसमें आप हाथ मत लगाइएगा। 15 नंबर कॉलम में पार्टिकुलर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, आप जो बैंक में जाके जो एप्लीकेशन फी के लिए जो डिमांड ड्राफ्ट काटोगी वो डिमांड ड्राफ्ट किस बैंक से लिया, ब्रांच का नाम लिखा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ब्रांच, बैंक एंड बैंक का नाम ब्रांच लिखना है, ठीक है। सोचो कि SBI ब्रांच, ब्रांच कौन सा जो ब्रांच से आप करोगे, या फिर आपने अपनी जो हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक है, जो आपने बहुत सारे बैंक है अपने अपने हिसाब से जिस बैंक से आप किए हो, ठीक है, बहुत सारे नेशनल बैंक है। डेट ऑफ इशू, आपने कब ये पैसा भरा था, वो आपकी डिमांड ड्राफ्ट में तो आपने डेट भरा होगा ना, वो डेट देना है आपको, और डिमांड ड्राफ्ट का नंबर देना है, हर डिमांड ड्राफ्ट में एक नंबर होते हैं वो देना है, और अमाउंट कितना रुपये दिया, अगर आप इस अगर आप जनरल EWS OBC हो तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, तो उस पर अमाउंट लिखना है, ठीक है। बगल में ऑफिस यूज ओनली, वो ऑफिस टच करेगा, ये कॉलम में आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो गया मोटा मोटी आपका एप्लीकेशन फिलअप हो गया, अभी है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम सिग्नेचर करना है, ठीक है, सिग्नेचर करके आपको दे देना है। उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको पहुँच जाना है, ठीक है। साउदर्न रीजन हैदराबाद, कुछ लिस्ट ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, वॉकिंग इंटरव्यू के जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, जो असेसमेंट करेगा वो लोग चेक करेगा वो देखिए। एप्लीकेशन फ़ी जो DD डिमांड ड्राफ्ट है वो लेना पड़ेगा, टू एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज, 2 अतिरिक्त फ़ोटो भी आपको लेना पड़ेगा, यानी आपको टोटल 3 फोटो चाहिए होगा, एक फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में चिपका दोगे और 2 फोटो अलग से आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपने स्कूल में पढ़ाई किया उसका सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, क्लास 10 का क्लास 12 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, एंड पासिंग सर्टिफिकेट, जो पास सर्टिफिकेट आता है वो पास सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। 6th ऑप्शन में डिप्लोमा डिग्री ITI मार्कशीट जो भी है वो पासिंग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। 7 नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट इनकेस SC ST OBC, अगर SC ST OBC हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। 8 नंबर कॉलम में इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप EWS कैंडिडेट हो, अगर EWS नहीं हो तो आपको नहीं चाहिए होगा इनकम सर्टिफिकेट, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। 10 नंबर पे ID एड्रेस प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एक्सेट्रा, से कोई भी होगा, कोई भी होने से होगा। 11 नंबर पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, ठीक है।
फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो कलम है ये ऑफिस यूज़ करेगा, वो आपके लिए नहीं है। शायद आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला है किस क्लास में वो करेगा, ठीक है। ये देखिए जो सर्टिफिकेट आपको फिलअप करना होगा, SC ST के लिए ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आप लोग भर के भर लीजिएगा। वीडियो 25 मिनट का हो चुका है, मैं और लंबा नहीं करना चाहता। ये है OBC फॉर्मेट OBC के लिए, और ये है इनकम एंड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट हो तो आपको ये कॉलम भरना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका है इसलिए ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, मुझे जूम करना पड़ रहा है। यह है आपका एप्लीकेशन स्ट्रक्चर, देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर लगता है कि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। और फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर मैंने इसका लिंक दे दिया। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू।